2022 में चुनाव है, जिसको लेकर तमाम जो राजनेता हैं वो जिन्ना और हिंदुत्व की जो राजनीति है उस पे होती है। इस देशभक्ति में आप एक देशभक्त हैं, क्या कहेंगे ऐसे सीधी बात है, जो जिन्ना की बोला वो जिन्ना के समर्थन में बोलेगी, जो महानवता के संतान है महानवता के समर्थन बोलेगी, जिनके मन में राम बसाओ राम के लिए बोलेंगे, जिनके मन में काम बसाओ काम के लिए बोलेंगे, जिनके मन में राम है वो कहेंगे हनुमान की तरह ब्रह्मचारी बनो, और जिनके मन में काम बसा वो बोलेगा मेरे छोरों से गलती हो जाती है, अब छोरों से इतनी गलती हुई तेरी हालत खराब कर दी, राम मंदिर पे मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई और देखने ना औलाद ने उसको कोने में बिठा दिया। तो मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, राम जी का काम है, राम निपटेंगे इस देश में सत्ता परिवर्तन करके योगी को लाने पर। ये चुनाव योगी के और मोदी के बीच में है, ये चुनाव जाति के और राष्ट्र के बीच में है, ये चुनाव काम और राम के बीच में है, ये चुनाव जिन्ना की औलादों और राम की संतानों के बीच में है। अभी जनता तय करे, किसी को यही लगता है जिन्ना की औलाद में तो दो वोट जिन्ना के नाम पर, किसी को यही लगता है बाबर की औलाद हूं दो बाबर के नाम पे वोट, लेकिन किसी को लगता है मेरे अंदर राम का खून है। जैसा मैंने कहा कि इस देश में यादव के नाम पर बोलना आसान है, लेकिन यादव हो तो चलो कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, चलो कृष्ण के नाम पर खड़े होते हैं, हम उद्धार करते हैं, देश का कृष्ण की धरती है इसका उद्धार करते हैं। तो ये भारत माँ की संतानों के और अंग्रेजी और बाबर की औलादों के बीच का संघर्ष है, चुनाव नहीं है, ये आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम है। ये आज़ादी मिली राजनीतिक आज़ादी थी जो हमको अंग्रेजों से मिली, अब ये बड़ी आज़ादी है जो सांस्कृतिक आज़ादी है। और इतना ही नहीं, ये चुनाव कोका कोला के और गन्ने के रस के बीच में है, ये चुनाव कोका कोला के गन्ने के रस के बीच में, ये चुनाव ये फटी जीन्स के और धोती के बीच में है, ये चुनाव हमारे दंत कांति के बीच में और कोलगेट के बीच में है। तो मैंने बताया ना, ये पेप्सी के बीच में और अपने बीच में चुनाव है, तो अभी तो आर्थिक आज़ादी बाकी है, अभी सांस्कृतिक आज़ादी बाकी है, अभी राष्ट्रीय गौरव की आज़ादी बाकी है, लंबा संघर्ष है। अच्छा, इसमें हजारों लोग पैदा होंगे, अब बहुत जल्दी महाराज जी एक ये है कि जो मंदिर की जो परिकल्पना है वो पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी जो है वो विवादों में जमीन का जो मुद्दा है वो भी तमाम सामने आ रहा। तो ऐसे मैंने बताया ना, ये जो जिनके खुद के डीएनए का पता नहीं, जो विवाद की संतान है, जो विवाद की संतान है उन्हीं की दिक्कत है, जिनका सबसे विवाद चल रहा है।